जितने इस समय रेप केस हो रहे, कठुआ रेप केस, सपोज क्या कहते हैं उन्नाव रेप केस, क्या भारत सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती इससे कुछ कम हो सके? काफी बड़ी मुद्दे हैं मैडम, ये को गंभीर मुद्दा, गंभीर मुद्दा। पूछ लीजिए क्या क्या काम हुआ है, लोग कुछ नहीं बताएंगे, लोग के पास कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम। मैडम, उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्थिति है, अभी आपने उन्नाव की घटना पर देख लिया, एंटी रोमियो पर योगी जी उपलब्धियां हासिल करना, आपके इलाके में काम हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ मैडम, एकदम बिल्कुल नहीं। महिला सुरक्षा का मुद्दा गंभीर है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। लाठियां चली मैडम, कहां महिला सुरक्षा? कुछ और लोगों के पास चलते हैं, कुछ और लोगों के पास, बताइए सर क्या कह रहे हैं? मैडम सिर्फ एक विकास हुआ है, बलात्कार का विकास हुआ है, सारे जगह बलात्कार ही हो रहे हैं मोदी सरकार में। आप क्या कहना चाह रहे? खड़े झूठों के ऊपर तो ये पूरी सरकार चल रही है। जब चुनाव जीतना था तो 15 लाख का झूठ, काशी को क्योटो बनाने की बात, गंगा का निर्मलीकरण की बात, आज तक किस झूठ को उन्होंने जो साबित किया कि मैं उस काम पे काम कर रहा हूँ? ठीक है, कुछ और लोगों के पास चलते, चलिए बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम विकास तो इतना हुआ है कि 24 घंटे में 48 बार लाइट आती है, यही विकास है मोदी जी का। तंज कस रहे हैं, मतलब काम नहीं हुआ है? देखिए अपने बनारस में, अपने बनारस में एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। मोदी जी इस 80 घाट से बहुत जोर शोर से आए, जब पहली बार 2014 में आए तो कहे मुझे माँ गंगा ने बुलाया। जल्दी से आप, आपके पास कैमरा है, लाइट है, जस्ट 10 कदम चल के जाइए और गंगा की दुर्दशा देख लीजिए। अमित साहब बोले आप लोग का 3 महीने के में आप लोग का न्याय दिला देगा, ऐसा न्याय दिलाया कि हम लोग कंगाल बना दिए। रोटी रोड पर आ गए, रोड पर आ गए मैडम, हमें दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। नहीं नहीं नहीं, बैठिए अपनी जगह बैठिए, जो बैठेगा उसी के पास हम बताए। एंटी रोमियो दल की योगी आदित्यनाथ ने बात की थी, और अगर 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 एंटी रोमियो दल आज सक्रिय होता तो आसिफा वाला रेप केस नहीं होता। 2019 में मौका देंगे कि नहीं देंगे? मोदी जी से 2019 में मौका देंगे कि नहीं? नहीं, उनको धोखा देंगे। हाँ, मैं आपको श्री कुमार पाठक पंचा सरगाम सेनानी के पेंशन के लिए 2000 रुपए घूस मांगे, आपको का नाम टाउन हॉल में हाईकोर्ट का स्टे है, उसमें 2,58,00,000 रुपया आया, कोई नहीं हुआ। सीजी मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी किया, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार ने सुन लिया, और इतना बड़ा गबन हुआ टाउन हॉल में, कौन गए, लेकिन सरकार ने उसको कोई ध्यान नहीं। बनारस को हम टोक्यो बना देंगे, टोक्यो तो नहीं बना पाए लेकिन टोटो जरूर बना दिए। इतना टोटो चल रहा है कि बनारस वासी के लोग परेशान हो चुके हैं एकदम। देखिए बनारस वासी यहाँ पर परेशान हो चुके हैं, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही यहाँ पर मौजूद है काशी की जनता भी। फिलहाल यहाँ पर आपको पता चल गया होगा काशी का मूड 2019 को लेकर है क्या।